जंगल। सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब वेदर न्यूज़ यूट्यूब चैनल में तुहाडा सारयां दा स्वागत है जी। गल करदे आं 8 अप्रैल दीआं सूबे पंजाब दीआं खबरां बारे। पहली खबर दोस्तों, कोरोना दे कहर दे मद्देनज़र कैप्टन सरकार ने लए सख्त फैसले, नवीआं पाबंदियां लागू। कोरोना दे वधदे कहर दे मद्देनज़र पंजाब सरकार ने सख्त फैसले लै लए हन। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई विच हुई रिव्यू मीटिंग विच नवीआं पाबंदियां लागू कर दित्तियां गईआं हन। हुण सियासी इकट्ठां उत्ते रोक लगा दित्ती गई है। रात दा करफ्यू वधा के 30 अप्रैल तक कर दित्ता गया है। रात 9 बजे तो सवेर 5 बजे तक रात का करफ्यू जारी रहेगा। सारे सरकारी मुलाजमान नूं दफ्तर विच मास्क लाजमी पाउणा पवेगा। 30 अप्रैल तक सारियां विद्यक संस्थावां भी बंद रहणगियां। 30 अप्रैल तक भीड़ इकट्ठी होण वालियां खेडां उत्ते भी रोक लगा दित्ती गई है। मुख मंत्री ने रात दे करफ्यू नूं पूरे पंजाब विच 9 बजे तो वधा के सवेर 5 बजे करन दा ऐलान कीता है, जो कि हुण तक 12 जिलों विच लागू कीता गया सी। अंतम संस्कार व्याह समागमां विच शामिल होण वाले लोकां दी गिनती घरां दे अंदर घटा के 50 अते बाहर 100 कर दित्ती गई है। दफ्तर विच सारे सरकारी कर्मचारियों लई मास्क पहनना लाजमी कर दिता गया है। स्कूलां समेत सारे विद्यक संस्थावां नूं बंद करन दा फैसला भी 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड स्थिति दी हफ्तावारी समीक्षा करदिआं राज विच उच्च सकारात्मकता अते मौत दरां दी चिंता जाहर कीती। उन्हां कहा कि इह चिंता वाली गल है कि पंजाब विच 85% तों वध केस यूके दे स्ट्रेन दे हन। अगली खबर दोस्तों, 11 अप्रैल तों कामकाज वालीआं थावां ते वी लगाई जावेगी कोरोना वैक्सीन। सरकार ने जारी कीते आदेश। केंद्र सरकार जल्दी ही कामकाज वालीआं थावां उत्ते कोरोना टीकाकरण दी आग्या देण जा रही है। किसी भी कार्य स्थान ते 100 योग लाभपात्री होण उत्ते उत्थे कोविड टीकाकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा। राज केंद्र शासित प्रदेशों नूं इस नूं 11 अप्रैल तों लॉन्च करन दा निर्देश दिता गया है। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश अनुसार जे किसी निजी या जनतक संस्था विच 100 योग अते इच्छुक लाभपात्री हन तां काम वाली थां नूं कोविड टीकाकरण केंद्र बनाया जाएगा। इस अनुसार राज नूं इस मुहिम विच सहयोग लई दिशा निर्देश जारी किए जाणगे। दस दईए कि 1 अप्रैल तों 45 साल तों वध उम्र दे लोकां दा टीकाकरण शुरू हो गया है। पहलां ही 60 साल तों वध उम्र दे लोकां नूं टीका लगाया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों, हुण कार च इकल्ले बैठे व्यक्ति लई मास्क लगाउणा होया लाजमी, हाई कोर्ट दा आदेश। देश दी राजधानी दिल्ली विच कोरोना वायरस दे वधदे मामलिआं नूं देखदिआं दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वड्डा आदेश दित्ता है। हुण दिल्ली विच हर व्यक्ति लई मास्क पहनना जरूरी होवेगा। अदालत ने कहा है कि कार दे अंदर इकल्ले बैठे व्यक्ति लई मास्क लगाउणा लाजमी होवेगा। अगली खबर दोस्तों, पंजाब दे सरकारी स्कूलां च पढ़दे बच्चे रहण तैयार, मिलन जा रही वड्डी सहूलत। कोविड दे वधदे प्रभाव नूं देखदे होए ऑनलाइन पढ़ाई लई हुण सरकारी स्कूलां दे 8वीं तों 12वीं जमात दे विद्यार्थियों नूं टैब देण दा मसौदा तैयार हो गया है। सिक्ख्या महकमे ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दित्ती है, जिथे अगले महीने तक सारे स्कूलों च टैब पहुंच जाएंगे। पहले पद्धर च 8 लाख विद्यार्थियों नूं टैब देण दी योजना है। हालांकि पहली तों 7वीं जमात दे विद्यार्थियों नूं टैब नहीं दिते जाएंगे, पर उन्हां नूं स्मार्ट रूम क्लास जरिए पढ़ाई करवाई जाएगी। टेंडर टैब वंडन दा काम स्कूलां दीआं लाइब्रेरियां जरिए कीता जाएगा, तां जो डाटा स्कूलां च मौजूद रहे। इस नाल 8वीं तों 10वीं तक 6 इंच, जदों कि 11वीं अते 12वीं नूं 8 इंच दे टैब दिते जाणगे। अफसरां दा कहना है कि 8 लाख टैब खरीदण च करीब 700 करोड़ दा खर्चा आ रहा है, जिस दी मुख मंत्री तों मंजूरी मिल चुकी है। दस्सिया गया है कि टेंडर प्रक्रिया तों बाद हाई पावर परचेज कमेटी दी मीटिंग च अंतिम रूप दिता जाएगा। अगली खबर दोस्तों, पंजाब सरकार ने लोकां ते पाया एक होर वित्तीय बोझ, पेट्रोल ते डीजल ते लाया एक होर नवां टैक्स। पंजाब विच पेट्रोल डीजल होर महंगा हो गया है। देश च पेट्रोल अते डीजल दीआं कीमतां वधन तों बाद हुण पंजाब च अज पेट्रोल अते डीजल दीआं कीमतां वधीआं हन। पंजाब सरकार ने भी पेट्रोल ते डीजल खरीदण वाले खपतकारां ते एक होर वाधू बोझ पा दिता है। पंजाब सरकार राज दे खपतकारां तों पेट्रोल अते डीजल खरीदण ते एक होर फीस दी वसूली करन वाली है। पंजाब च पेट्रोल अते डीजल दी विक्री ते 25 पैसे स्पैशल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट फीस वसूली जा। इस संबंध विच वित्त विभाग दे मुख सकत्तर KP सिन्हा दी दस्तखत कीती नोटिफिकेशन जारी कीती गई है। नोटिफिकेशन दे अनुसार विशेष बुनियादी ढांचा विकास फीसां उत्ते राज विच पेट्रोल अते डीजल
डीजल की विक्री 25 पैसे प्रति लीटर लई जाएगी। जानकारी अनुसार फीस वसूली भी 6 अप्रैल तो लागू की गई है। फीस वसूली लागू होने तो बाद पेट्रोल डीजल दी कीमतों में भी वाधा होया है। 30 मार्च न जलंधर पेट्रोल 91.51 रुपए प्रति लीटर और डीजल 82.57 रुपए प्रति लीटर से जो 6 अप्रैल न क्रमवार 91.83 रुपए प्रति लीटर और 82.87 रुपए प्रति लीटर हो गया है। अगली खबर दोस्तों, कोरोना बारे केंद्र सरकार की चेतावनी, अगले 4 हफ्ते हो जाओ सावधान। कोरोना वायरस की दूजी लेयर कारण पूरे देश च डर ते सहम दा माहौल है। रोजाना नवे मरीजों की वध रही गिनती विचकार नीति कमीशन ने चेतावनी दी है कि कोरोना कारण हालात बद तो बदतर होंदे जा रहे हैं। कोरोना लाग दे मद्देनज़र अगले 4 हफ्ते बहुत नाजुक हैं। पिछले 24 घंटे च भारत में कोरोना लाग दे 97,000 नवे मामले सामने आए हैं। लगातार बढ़ रहे लाग दे मामलों च भारत हुण अमरीका तो बाद दुनिया का दूजा देश बन गया है। अमरीका च रोजाना 1 लाख तो वध लाग दे केस सामने आ रहे हैं। नीति कमीशन के मैंबर डॉक्टर वी के पॉल ने पत्रकार सम्मेलन दौरान कहा कि कोरोना लाग की दूजी लेयर च यह महामारी पहली लेयर नालों तेजी नाल फैल रही है। कुछ सूबे च हालात काफ़ी खराब हैं, कुछ घट मामले हैं, पर इस बीमारी ने पूरे देश च दहशत मचा दी है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि अगले 4 हफ्ते इस बीमारी के लिहाज नाल बहुत नाजुक हैं। अजिही स्थिति च महामारी की दूजी लेयर नू काबू करन च आम लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि इस महामारी नू देश की आबादी के लिहाज नाल काबू तो बाहर नहीं किया जा सकता, पर जे लाग इस तरह फैलती रही तो देश नू गंभीर नुकसान होगा। बीमारी नाल निजिठण के तरीके उही हैं जो पहली लेयर च सन। अगली खबर दोस्तों, मोगा दे थाना सिटी 1 की हवालात च पुलिस का अणमनुखी तशद्दुद, SHO लाइन हाजिर, ASI ते मुंशी सस्पेंड। थाने विच बंद हवालातियां नाल अणमनुखी व्यवहार करन दे मामले विच DGP दी दखल अंदाजी तो बाद मोगा दे थाना सिटी 1 दे SHO इंस्पैक्टर जसवंत सिंह नू लाइन हाजिर कर दिता गया है। ASI अमरजीत सिंह अते मुंशी नू सस्पेंड कर दिता गया है। थाना सिटी 1 विच हवालाती दे पैरां नू लकड़ दे सकंजे विच फसाए जाण दे वीडियो वायरल होने तो बाद SSP हरमनबीर सिंह गिल ने यह कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट की इस संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन है कि थाने विच पुछ पड़ताल या जांच दौरान किसी भी विचाराधीन कैदी या हवालाती नू शरीरक दंड ना दिता जाए। इस दे बावजूद छोटे छोटे मामले विच हिरासत विच लए लोगों नू शिकायतकर्ता नाल गंढतुप करके उन्हां दे पैर लक्कड़ दे सकंजे विच फसा के तड़फण लई मजबूर किया है। अगली खबर दोस्तों, केंद्र सरकार ने पंजाब नू दित्ती चेतावनी। केंद्र सरकार ने पंजाब नू असिधे तौर ते चेतावनी दित्ती है कि जेकर पंजाब सरकार अंदोलनकारी किसानों के टोल प्लाजा ते धरना नहीं चुकता तो इस दा प्रभाव राज दे होर नवे सड़क प्रोजैक्टा ते पै सकता है। सड़क ट्रांसपोर्ट अते राजमार्ग मंत्रालय वालों पंजाब सरकार नू भेजे एक पत्र कहा गया है कि इन्हां विरोध प्रदर्शनों कारण 500 करोड़ रुपए तो वध दा आर्थिक नुकसान होया है। केंद्र ने इस तथ्य ते भी निराशा जाहर की है कि पंजाब सरकार टोल प्लाजियां तो किसानां नूं हटाउण लई अजे तक कुछ नहीं कर सकी। पंजाब कोल नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे 25 टोल प्लाजा हन। अथॉरिटी द्वारा सीधे तौर सीधे अते कुछ BOT पर अंदोलन कारण 1 अक्तूबर 2020 तो राज दे सारे टोल प्लाजा किसानों के कब्जे में आ गए हैं। किसानों ने दिन रात धरना लगा दिता है। किसान अंदोलन विच ही पंजाब के 51 टोल प्लाजा और गुआंढी राज हरियाणा के किसानों का कब्जा है। इन्हां प्लाजियां तो सारे वाहनों नू मुफ्त अदा करन दी आग्या दित्ती जा रही है। पंजाब सरकार नू लिखे पत्र विच अथॉरिटी ने कहा है कि इकल्ले पंजाब विच ही किसान अंदोलन ने टोल प्लाजियां दी फीस दे रूप विच 500 करोड़ रुपए दा नुकसान कीता है। केंद्रीय आवाजाई मंत्री नितिन गडकरी ने इन्हां चीजां बारे पंजाब दे मुख्यमंत्री नाल गल्लबात कीती अते इस बारे सरकारी पद्धर ते भी विचार वटांदरे कीते गए। पंजाब सरकार नू अंदोलनकारी किसानां नाल गल्लबात करन अते उन्हां नू टोल प्लाजियां तों हटाउण लई कहा गया
ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਅਜੇ ਰੋਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਕੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਨਕਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਮਹਿਨਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਲਾਇੰਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਫੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੋਸਤੋ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ PRTC ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ PRTC ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨ ਬੱਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।